भैया भी मतलब थोड़ा क्रिप्टो का थोड़ा क्रैश हुआ था, उससे प्राइस थोड़ा मतलब लगा कुछ आया वो डाउन। भैया किसी के कुछ होने से कुछ मैटर नहीं करता इस मार्केट में। देखो एकदम से माइनिंग बंद होगी, मगर गेमर को तो थोड़ी छूट मिलेगी, गेमर को तो चाहिए भाई, गेमर भी तो पीछे नहीं हटेगा। 1500 भी गिर रहे उसके लिए बढ़िया, ठीक है ना। गेमर और एडिटर को उससे लेन देना नहीं माइनिंग से। माइनिंग तो अभी आई है, पहले कौन से ये मार्केट माइनिंग की वजह से चली। हाँ दोस्त कुछ पहले प्राइस कम थे ना, पहले प्राइस कम थे, अभी रेट गिरेंगे नहीं, क्योंकि भाई देखो जब किसी को एक चीज की आदत लग जाती है ना, तो उससे ज्यादा ज्यादा 5% या 3% माइनस करता है कंपनियां, एकदम से आधा नहीं कर देंगी, ध्यान रखो। थोड़ा बहुत ही हुआ है। अरे भैया इस देश में जिस चीज को मना करा जाता है उसी चीज को ज्यादा करा जाता है। हाँ ये तो है। कुछ भी हो माइनिंग के लिए मना कर रहे हैं, माइनिंग होगी वो नहीं चलती, पहले भी चल रही थी, पहले 2016 में माइनिंग चालू हुई थी, फिर उसके बाद बंद हो गई थी, फिर भी लोग कर रहे थे भाई। हाँ अभी हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे जो ग्राफिक कार्ड है, इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, ठीक है। तो भैया मतलब ग्राफिक कार्ड में हम 710 से स्टार्ट करते हैं। 710 अभी 610 मिलेगा 3400 का, 2GB DDR3 3400 का 610, फिर इसके बाद में 730 है 40। पहले मैंने आपको बताया था 4250 का स्टॉक, रेट बढ़ा 4350 का है, वो रेट बढ़ा है 100 रुपए बढ़ गया। सभी कार्ड पे बढ़ा है, कुछ पे घटा भी है? इसका तो बढ़ा है क्योंकि मार्केट में शॉर्टेज है, इस वजह से बढ़ा है। वैसे कुछ कार्ड पे प्राइस घटा है ना, नॉर्मल कार्ड बढ़ा है, 100 रुपए बढ़ा है उसपे। हाँ ये 2GB DDR5 का कार्ड है, अच्छा कार्ड है, नॉर्मल गेम सारी विदाउट लैग चला देता है, ठीक है ना। दूसरा इसके बाद आते हैं अपने 730 भी, उसमें 4GB आता है DDR3 वो 6800 का। फिर आते हैं 1030 2GB DDR5 7500 का, 1030 4GB वो पड़ेगा 9000 रुपए का, 1050 Ti। फिर इसके बाद हाँ T400 7500, T600 वो पड़ेगा आपको 13500 का। इनके बारे में बताइए एक बार मेरे को, अगर कोई मतलब क्वाड्रो सीरीज ले रहा है जैसे T400 T600, भाई देखो किसके लिए यूज हो सकते हैं ना। मैंने क्वाड्रो सिर्फ मैंने उसी को लगाया जो अपना क्या बोलते हैं, जिसका वर्क स्टेशन का काम है, जिसका प्रोफेशनल काम होता है ना, उसमें मैंने क्वाड्रो कार्ड लगाया। अभी नया आया है, अब देखो यूज करके बता सकते। अगर 4 डिस्प्ले दे रहा है आपका T600 तो मेरे हिसाब से वो भैया गेमिंग, अगर 4 डिस्प्ले दे रहे हो तो देखो 1050 Ti पे भी 4 डिस्प्ले नहीं आती, ठीक है ना, 1650 पे भी 4 डिस्प्ले नहीं आती, ठीक है ना। तो ये ट्रेडिंग के हिसाब से और यूज के हिसाब से है। और आप देखो उससे 4GB लिखा तो नहीं होता, मगर बोलते बंदे 4GB DDR6 है, तो इसकी मेरे को ज्यादा जानकारी है नहीं, तो मैं इस हिसाब से इसके बारे में बोलते नहीं। क्वाड्रो के कार्ड जो है ना अलग ही लेवल के होते हैं, ठीक है गाइस। तो मतलब इनके प्राइस एक बार बता दीजिए। हाँ 1350 का है, कौन सा T600 4GB 1350, 2GB वाला T400 वो पड़ेगा 7000 वो अलग चीज है, वहाँ P1000 P4000 पे मैं जाओ वो अलग चीज है, वो भी अवेलेबल होगी ना, वो 24000 का कार्ड है P1000 4GB का, मिल तो जाएगा ना, मिल जाएगा। P2000 35000 का है, P4000 68000 का, PT ये सारे अलग अलग वेरिएंट है, ध्यान रखना। इनके बारे में कुछ समझा सकते हो, मतलब कुछ समझ में आया ये किस से है, मतलब किस टाइप का वो? देखो वर्क स्टेशन में हमेशा पी सीरीज का लगेगा, क्वाड्रो के सारे देखो अलग अलग वर्क स्टेशन के कार्ड है ये, पी सीरीज के वैसे तो लगते हैं तुम्हारे RTX A4000 A2000, मगर अब माइनिंग में जा रहे हैं, क्या कर सकते, माइनिंग हो रही है, ठीक है, पी पे नहीं होगी, पी पे नहीं होगी, नहीं, ठीक है। मैं रियल बताऊं, बता ही नहीं रहा, क्वाड्रो बहुत अलग ही लेवल चीज है, मतलब ये अलग लेवल के कार्ड है, जिसमें आप सोच रहे हो ना कि ये नॉर्मल GTX सीरीज जिसके सामने नहीं, अलग है ये, डिफरेंट है थोड़ा, इसका काम अलग ही है, इसमें गेम बना सकते हो खेल पी वाले पे, जितने भी है जिसे मैं जैसे आर्किटेक्चर वर्क है उसे काम ही करना है, रेंडर वाले को काम करना है, आप सब कुछ बना सकते हो, इस पे प्ले नहीं कर पाओगे पी सीरीज को, ये बनाने के लिए काम है। मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, क्या पता आप काम कर लो मैं उसके नहीं कर सकता। ठीक है तो अभी हम 1650 लेवल कार्ड है, अगर प्रोफेशनल बंदा है तो काम ही करेगा, गेम तो नहीं खेलेगा, मैं इस वजह से बोल रहा हूँ। तो गाइस अभी हम यहाँ पे 1650 के बारे में बात करते हैं, 1650 का भी क्या प्राइस है? 2500, ठीक है। और जो हमारे 1660 है, 1660 सुपर ले लो, 44000 का ले लो, 44000 जो टेक का ये वो ब्रांड कौन कौन सी रहेगी आपके पास? जो कस्टमर मांगता वो अपने हिसाब से थोड़े देंगे, सभी मिल जाएगी ना? बिल्कुल, ठीक है गाइस। हम यहाँ पे 1660 Ti के बारे में बात करते हैं, 1660 Ti भाई वो गेमर लेगा, एक आध कार्ड है ऑन ऑर्डर ही मंगाता हूँ, मिल जाएगा ना? मिल जाएगा, ठीक है। हाँ तो अभी हम यहाँ पे 2060 के बारे में बात करते हैं, 2060 45000 का ले लो, सुपर पड़ेगा महंगा, उसका रेट नहीं बोल सकता। अवेलेबल भी है क्या? नहीं अवेलेबल तो है मेरे पास, मगर रेट नहीं बोल सकता, क्यों भाई मैं वीडियो पे बोल दूं और मेरे फिर शॉर्टेज हो जाता, फिर देखो उसका नहीं बोल सकता, मगर आपको दिख रहा है भाई, है भाई है ये ना, ये शाम को लग जाएगा, जिसका कोरियर जाने जाएगा, मतलब मिल जाएगा ना, अगर कोई प्री बुक करता है भाई, बुक करता है मिल जाएंगे गारंटीड, मेरा बुक ही हो रहे हैं सारे। प्राइस फिर भी बता दो, मतलब 63500 से 65000 के बीच में, ठीक है गाइस। तो अभी हम यहाँ पे 30 सीरीज पे आते हैं, और 30 सीरीज के बारे में बात करते हैं, 30 ले लो 55000 का, 55000 का। और ब्रांड कौन कौन सी रहेगी? गैलेक्सी सिस्टम तो 55 का जो मैं दे रहा हूँ, TI 3060 Ti देखो इस टाइम महंगा चल रहा है, कितना
महंगा हो गया 73,000 74,000 75,000 चल रहा है। पिछली वीडियो में शायद 72 था। अभी भाई माइनिंग के हिसाब से चल रहा है। लोग बोले भाई क्रिप्टो करेंसी गिरी है, महंगा हो गया, सस्ता होगा, सस्ता कुछ सस्ता नहीं हुआ। मतलब ऐसा क्यों, जब क्रिप्टो गिरी तो उससे फर्क नहीं पड़ा भाई, ग्राफिक कार्ड पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो मतलब क्रिप्टो कोई मैटर नहीं कर रहा है ग्राफिक कार्ड के प्राइस में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई बोले कि इसके बनने से कस्टमर को दिलासा नहीं देना है, सीधा सीधा बता दो। वो बंदा बैठा है इंतजार में कि भैया गिरेगा गिरेगा गिरेगा। तो मैं मतलब जो हमारे सब्सक्राइबर है, मैंने पोल भी डाला था, तो सभी का ये मानना है कि क्रिप्टो की वजह से ही ग्राफिक कार्ड के प्राइस ऊपर हुए हैं। हुए उसकी वजह से। तो कम भी तो उसी की वजह से होने चाहिए ना। अभी नहीं होंगे। चलो ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि क्रिप्टो का रेट गिरे हैं, माइनिंग बंद नहीं हुई है। हाँ ये तो है, समझो उस चीज को कि क्रिप्टो करेंसी गिर गई, भैया गिरी है, माइनिंग थोड़ा बंद हुई है, उठेगी भी। अगर माइनिंग बंद होगी तब रेट गिरेंगे, ये समझो। इस चीज को हेडलाइन डाल देना, हकीकत बोल रहा हूँ। रेट क्रिप्टो करेंसी गिर गई, रेट कम होंगे। भैया माइनिंग वाले जिसने पैसा लगा रखा वो माइनिंग थोड़ी ना बंद करेगा, वो तो और करेगा कि गिर गए तो जब गिरी है तो जल्दी बनाएगा वो, तो और ग्राफिक कार्ड लगाएगा, जब उठेगी तो एकदम से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा उसे। वो चीज देखो ना। ठीक है, गिरने से मैटर नहीं है इसका, इस लेन देना ही नहीं। ठीक है, गिरने से उठने से कुछ लेन देना। ठीक है गाइस, तो अभी हम यहाँ पे 3070 के बारे में बात करते हैं। 3070 पड़ेगा आपको 82,000 का। 82,000 TI 95 भी है, 96 भी है, 97, 98, 99, 1,02,000, 1,05,000 हिसाब से, ब्रांड के हिसाब से। आपको वो तुम्हारा 1,45,000 का भी है, 50 का भी है, 55 का भी है, 60 का भी, ब्रांड के हिसाब से। 3090 पड़ेगा आपका 2,20,000 से 2,65,000 तक। 2,65,000 तक, वो ब्रांड के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे आसूस वगैरह लोगों तो ज्यादा महंगा, जरूरी थोड़ी ना। आसूस में भी है, आसूस भी है, MSI है, गैलेक्सी में होलो फ्रेम लोगे वो भी है। तो अब हर किसी कंपनी का एक अलग ही ऊंचा कार्ड अलग ही है। ठीक है, जो ऊपर का कार्ड है ना हैवी, वो अलग ही है। आसूस में रोग स्ट्रिक्स आता है, और MSI में गेमिंग जेड आता है। ठीक है ना, वो जिसमें आपको लिक्विड कूलर भी लगा रहता है। ठीक है ना, और तुम्हारा गैलेक्सी में आपका होलो फ्रेम आता है। तो हर किसी कंपनी का अलग है। नॉर्मल में 4 तरीके का कार्ड है हर किसी कंपनी का। जो नीचे के लेवल का वो एक 220 से चालू है, 265 तक है। 265। हाँ ठीक है गाइस, तो अभी हम यहाँ पे AMD के बारे में बात करते हैं। AMD के ग्राफिक कार्ड अवेलेबल होंगे? हाँ मिल जाएंगे। प्राइस क्या होगा? सीधा 66 मार्केट रेट है ना, उससे नीचे दे दूंगा 1,000 रुपए गारंटीड। सभी कार्ड पे? कोई सा भी कार्ड होगा AMD का। ठीक है, ठीक है गाइस। तो मतलब भैया बोल रहे हैं कि अगर कोई सा भी अगर कार्ड, देखो ऐसे नहीं है, यहाँ पर पड़े हैं। हाँ दिख रहे हैं, ये आसूस के पड़े हुए हैं। ठीक है ना, ये आसूस है, देख लो ऊपर। हाँ हाँ दिख रहा है। ठीक है ना, ये देखो इधर, ये सारे AMD के कार्ड है। ये जब पड़ा है तो तभी बात कर रहा हूँ, खाली डब्बे को दिखा के कुछ बात नहीं कर रहा। तो ठीक है गाइस, भैया बोल रहे हैं कि मतलब अगर आप कोई भी AMD का कार्ड ले रहे हो, कोई भी हो, तो उस पर आपको 1,000 ऑफ देखने के लिए मिलेगा। डिस्काउंट आपको जरूर मिलेगा भैया की शॉप पे। जानकारी के लिए बता दे तो क्यों। हाँ। अभी इनो के रेट गिरे हैं मेरी, जैसे ये है 3060 है तुम्हारा, 6060 XT। मैं जो भी रेट होगा मार्केट का, उससे 1,000 रुपए नीचे काट दूंगा, क्योंकि मेरी महंगी परचेज है। मेरे को पर ग्राफिक कार्ड 5,000 का लॉस होगा, मगर कोई नहीं, बिजनेस है, चलता है। लॉस होगा 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 भाई, फायदा भी हमने उठाया तो लॉस भी तो हम ही खाएंगे। देखो भाई, बिजनेस का एक तरफा नहीं कि अगर किसी बंदे को दिख रहा है ना बिजनेस में आ ही रहा है तो समझे ज्यादा दिन बिजनेस नहीं चल, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। सिंपल सी बात है, प्रॉफिट और लॉस तो रहता है। अगर मैं 5,000 या 5,500 या 15,000 बेनिफिट ले भी रहा हूँ तो भैया घाटा भी मैं लूंगा। स्टॉक करना सरदर्दी है इस मार्केट में, रेट भी धड़ाम गिरते हैं, उठते भी धड़ाम है। तो ठीक है गाइस, ये था आज की वीडियो। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। जो भैया की शॉप का एड्रेस है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। नंबर भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है गाइस, तो ये थी आज की वीडियो। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई अगर आ रहे हो ना, एक एडवाइस है, मास्क जरूर लगा के आना, ठीक है, क्योंकि भाई सेफ्टी सबसे पहले है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।